हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं किरण। होममेड फूडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए पंजाबी कढ़ी चावल की रेसिपी लेकर आई हूं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है, इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये प्याज के ले लिए हैं, जो बिल्कुल लंबे लंबे स्लाइसेस में इनको कट कर लिया है। ये मैंने कड़ी के लिए लिए हैं। थोड़ा सा मैंने हींग ले लिया है और ये अदरक और गार्लिक का पेस्ट है और ये है जीरा, ये मेथी दाना और ये है कड़ी पत्ता। तो आप कड़ी के हिसाब से भी सारी चीज़ें ले सकते हैं। ये दही लिया है मैंने, इसको दही को अच्छे से मैश कर लिया है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। अब एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे, उसमें हम बेसन डालेंगे। बेसन मैंने करीब 250 ग्राम के करीब लिया है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा दही डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। थोड़ा थोड़ा दही डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। इसमें गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए। देखिए, दही भी मैंने 250 ग्राम के करीब ले लिया था, तो सारा मिक्स कर लिया है बेसन में और इसे हम एक पतीले में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको पानी से भर देंगे। इसके बाद हमने इस पतीले को गैस पर रखना है। अच्छे से मिक्स करके इसे हम गैस पर रख देंगे और गैस ऑन कर देंगे। गैस को हमने सिम कर दिया है। अब हम छौंक की तैयारी करेंगे। सबसे पहले मैंने 1 टेबलस्पून के करीब जीरा लिया है, जीरा डाल दिया है और 1 टेबलस्पून ही मैंने मेथी दाना लिया है, वो भी डाल देंगे। इसे अच्छे से भून लेंगे। अब मैंने हींग डाल दिया है, 1/2 टेबलस्पून के करीब हींग है। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, इसे भी भून लेना है अच्छे से। इनको रोस्ट करके प्याज डाल देना है। ये मैंने एक बॉल प्याज का लिया था। थोड़ा सा प्याज जो है हम पकौड़ों के लिए भी रख लेंगे और थोड़ा सा प्याज हम इसमें छौंक लगाने के लिए ले लेंगे। कड़ी के छौंक में डालना है जो। इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे, कड़ी पत्ता भी डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक इसे भून लेना है। नमक डाल दिया है, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, अब इन्हें अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। इन मसालों को भी अच्छे से हमें भून लेना है। अब इसमें कढ़ी में हम भुना हुआ मसाला जो है कढ़ी में डाल देंगे और कढ़ी को हमें बीच बीच में चलाते रहना है। कढ़ी नहीं तो कढ़ी उबल जाएगी, आपकी पतीले से बाहर आने लगती है, तो इसलिए इसे सिम पर ही बनाना है और इसे चलाते रहना है बीच बीच में। सारा मसाला मिक्स करने के बाद अब हम पकौड़ों की तैयारी करेंगे। मैंने एक बाउल में बेसन ले लिया है, इसे दही थोड़ा डाल के इसे मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़े और गाढ़ा पेस्ट ही रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है।
अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। हरी मिर्च 1 टेबलस्पून कटी हुई और 1 टेबलस्पून के करीब हम नमक डाल देंगे। 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च, जितना भी आपको स्पाइसेस चाहिए उतना आप डाल सकते हो। 1/2 टेबलस्पून के करीब गरम मसाला डाल दिया है, अब इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। मैंने कढ़ाई भी रख दी है गैस पे, वो और ऑयल इसमें डाल दिया है, वो गरम हो चुका है। अब हम इसमें देख लेंगे, ऑयल हमारा बिल्कुल गरम हो चुका है। थोड़ा सा बेसन डाल के हम इसमें चेक कर लेंगे। देखिए बिल्कुल गरम हो चुका है। अब हम इसमें पकोड़े तल लेंगे। हमने ये कढ़ी के लिए पकोड़े तले हैं, क्योंकि कढ़ी जो है वो बिना पकोड़ों के बिल्कुल अधूरी है। पकोड़ों के बिना तो कढ़ी का स्वाद ही नहीं आता। इस तरीके से इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। आप किसी भी तरह के पकोड़े बना सकते हैं, प्याज के, आलू के। देखिए एक तरफ हमारी कढ़ी भी उबल रही है, बीच बीच में ऐसे ही चलाते जाएंगे इसको। देखिए कढ़ी हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। इसमें हम पकोड़े डाल के इसे 5-7 मिनट के लिए उबाल लेंगे। पाँच सात मिनट हो चुके हैं, कढ़ी हमारी बिल्कुल तैयार है। देखिए कढ़ी बिल्कुल हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें एक ऊपर से भी चौंक डालेंगे। फ्राई पैन ले लिया है, उसमें घी भी मैंने गरम कर लिया है। थोड़ा सा हींग डालेंगे इसमें, 1/2 टेबलस्पून के करीब। अब इसमें साबुत लाल मिर्च डाल देंगे। इसे भी भून लेंगे। और 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है। ये सिर्फ कलर के लिए होती है, इसका कलर बहुत अच्छा आता है। गैस मैंने बंद कर दिया है क्योंकि चौंक हमारा तैयार हो चुका है। अब इसके कढ़ी के ऊपर हम उसको डाल देंगे। लीजिए गर्मा गर्म कढ़ी हमारी तैयार है और हमारे चावल भी उबल चुके हैं। लीजिए इसके चावल के साथ गर्मा गर्म आप सर्व कर सकते हैं।